नमस्कार। तो मैं हूं गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ईटीवी लाइव न्यूज। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो कि न केवल गांवों में ही बल्कि उनका परचम संपूर्ण राजस्थान में एक आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और ये कला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की एक धुरी माने शापा। शापा अपने आप में राजस्थान की एक अलग पहचान बनाता है। तो वो शापा के आर्टिस्ट हस्ताराम जी हमारे साथ में हैं। हम हस्ताराम जी से आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले तो हस्ताराम जी, राम राम। राम राम सर। जय रघुनाथ जी। हस्ताराम जी, आपसे कुछ बातचीत करने के लिए हमने हम आपके पास में आए हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने ये जो राजस्थानी शापा का जो आपने बिजनेस चूज किया है कि इसका आपने पेशा बना लिया, कैसे ये आपके मन में आया कि मुझे शापा ही बांधना है? मेरी छोटी उम्र में ये स्टफ है कि मैं एक सपा, हर बच्चे तक हमारा सपा जाए। और आज हर हिंदुस्तान के डिजाइन के हम सपा बांधते हैं। जोधपुरी सुरंगा, गोल्ड जी, सिरोही जी, और पंजाबी पगड़ी हम बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हस्ताराम जी बता रहे हैं कि न केवल ये राजस्थान के अंदर भी अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ, अलग अलग प्रकार के सापे बांधे जाते हैं, जिसमें ये सिरोही, जैसलमेरी, जोधपुरी, बाड़मेरी, हमारे अलग अलग जिस प्रकार के पहनावे हैं उसी प्रकार की सापे भी बांधे जाते हैं। तो ये हर प्रकार के सापे बांधने में अपने आप में पारंगत हैं। और हम आपसे ये पूछ रहे थे कि ये आपने बचपन से ही सीख लिया था या बाद में इसकी आपने कोई ट्रेनिंग ली थी? नहीं, ट्रेनिंग तो इतनी नहीं। मैं जोधपुर में मेरी भतीजी पढ़ती थी, अच्छा, रहता था, तो वे कला में देखता था, देख कर सीखा मैंने। जोधपुर में आप पहले कोई दुकान पे बिजनेस, मतलब एज ए जॉब की, या फिर शुरुआत में बिजनेस ही प्रारंभ किया आपने? मैं जॉब नहीं, मैं बिजनेस करता है, मेरा उधर गांव में दुकान है। अच्छा अच्छा तो हस्ताराम जी का जो बिजनेस अभी वर्तमान में इनके गांव में इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, और इनके सापे कई दूर दराज से लोग बंधवाने के लिए भी आते हैं। और राजस्थान में एक अलग ही पहचान है इनके सापे की, और इनके सापे की जो कला है बांधने की, वो तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि इन्होंने ये सापा है जो स्वयं ने बांधा है, और सापा बांधने की कला ही इनकी निराली है। और हस्ताराम जी, आपके कोई जो परिवार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे परिवार में आपको बताऊं तो एक होली में जो पहले होली खेलते थे जी, तो होली खेलते थे, मेरा भाई होली खेलने के लिए जाता था, तो कि वे उधर वे नशीले बोल बहुत होते थे, तो उसने नशीली ने कुछ दारू पिया हुआ, तो मेरे भाई के ऊपर, सिर के ऊपर कुछ ऐसी लकड़ी रखा, तो उसको लगा दी, तो सापा बंधा हुआ था, तो उसके कुछ नहीं हुआ, तो उसने मैंने देखा और मेरे पापा ने वापस बोला कर बोला कि आप पगड़ी बांध कर दो। तो हमारे लिए बहुत बढ़िया। इन्होंने एक और खास बात बताई है कि अगर सापा एक संस्कृति के साथ साथ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी साबित हुआ। कई बार क्या होता है कि ये होली का कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोई आपस में लड़ाई हुई और इनके सापा बांधा हुआ था, जिससे इनको वो लठ लगा और उनको चोट भी नहीं आई। तो बहुत बढ़िया, सापा राजस्थान की कल्चर के साथ साथ में ये सुरक्षा का एक अलग से कोच भी है। तो हस्ताराम जी, एक और मैं आपसे बात पूछ रहा था कि आप अपने गाँव के अंदर ये बात लोगों से भी बताते हैं कि भाई हर आदमी को सापा बांधना चाहिए? ये कहना चाहता हूँ छोटे बच्चे भी सापा ही सीखे, हमारी राजस्थान संस्कृति है, हर बच्चे को सापा सीखना चाहिए। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में हस्ताराम जी, इन्होंने अपने सापे के बारे में खूब सारी बात की। एक और बात हस्ताराम जी, अभी मतलब वर्तमान में आपकी जो दुकान है वो कहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए हमारे। अलवाड़ा में भी है सापा हाउस, मारवाड़ी सापा हाउस के नाम से है, और एक जीवाणा में भी है सापा हाउस। अच्छा, तो आप ये सापा कहाँ कहाँ पर बांधते हो, कौन कौन से आयोजनों के अंदर जाकर के? हमारी ज्यादा जैनों में जाता है सापा। अच्छा, जो जैन बिरादरी के लोग है वो ज्यादा आपसे बुकिंग करवाते हैं? और अभी वार्षिक उत्सव स्कूलों में हर कार्यक्रम में सापा हमारे पास से जाता है, मारवाड़ी सापा हाउस से। तो हस्ताराम जी बता रहे हैं कि हर प्रकार के जो आयोजन होते हैं वहाँ पर ये सापा बांधने के लिए खुद वहाँ स्वयं बात चले जाते हैं, और जिनको भी जिस प्रकार के सापे बांधने को, और हर डिजाइन के सापे देखने के लिए मारवाड़ी सापा हाउस इंस्टाग्राम पर है, मारवाड़ी सापा हाउस नाम से, तो आप देख सकते हो। तो आपकी आईडी भी इन्होंने बता ली, मारवाड़ी सापा हाउस के नाम से इंस्टाग्राम पे भी इनकी जो आईडी है, वहां से आप पसंद कर सकते हो कि जैसा आपको सापा चाहिए उस प्रकार का आप इनके दुकान से जाकर के खरीद सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।